हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 3 साल के बच्चे की बाजू कैसे बनाते हैं वो लेके आए हैं। तो 3 साल के बच्चे के लिए बाजू हम बना रहे हैं। इस बाजू का बॉर्डर हमने बुन लिया है। बॉर्डर के लिए हमने 35 फंदे रखे हैं। 35 फंदे रखने के बाद हमने बिल्कुल सिंपल फंदे डाले हैं। फंदे अगर डालना आपने सीखना हो तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ आप देख लेना। उसके बाद जो हमने ये बॉर्डर बनाया है, इस बॉर्डर को भी हम अपनी वीडियो अपलोड अपने चैनल पे कर चुके हैं। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। और जब हमने इतना बॉर्डर बना लिया 35 फंदे रखकर, तो हमने 2 सिलाइयाँ प्लेन बनाई है ऊपर। इसमें हमने अभी कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। हमने 35 फंदे रखे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 34 और 35, 35 फंदे रखे हैं। हम हर 4th सिलाई में इसको बढ़ाते जाएंगे, इस बाजू की जो हम शेप देंगे। और साथ में हमने इसमें डिज़ाइन भी डालना है, तो जो हमने इस पे डिज़ाइन डालना है वो डिज़ाइन भी डालेंगे और फंदे हम बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे ही हमने बॉर्डर बुना उसी टाइम हम इसके फंदा बढ़ा लेंगे। हम एक सीधा फंदा बुनेंगे, जो हमारे पास ये फंदा दिख रहा है इसी से हम फंदा बढ़ा लेंगे। इसके साथ जो ये पीस होता है इसी को ही हम चाहे सिलाई पे रखिए तो ऐसे बुन लेंगे, तो फंदा बढ़ गया साथ के साथ। तो आगे हम जैसे डिज़ाइन डालना है वैसा डिज़ाइन डालते हुए पूरी सिलाई बुनेंगे। जो देखिए हम लास्ट में आए हैं, हमने एक फंदा इधर बढ़ाया है, एक लास्ट में बढ़ाना है। तो हम जहाँ पे ये फंदा एक बुनेंगे, जब एक फंदा रह जाएगा तो उसके साथ में जो हमें ये फली दिख रही है इसी को पकड़ लेंगे और इसी को हम बुन देंगे ऐसे। अब हम रॉन्ग साइड पे आते हैं। रॉन्ग साइड हम पूरी उल्टी बनाएंगे। जो देखिए एक फंदा हमने इधर बढ़ाया, एक इधर, एक सिलाई हमारी उल्टी आ गई। 2 सिलाइयाँ हम और बनाएंगे तो हमारी 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो हम फिर 4th सिलाई पे, हर 4th सिलाई में इसको बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि बाजू की शेप हमने देनी है। हमने जो 3 साल के बच्चे का स्वेटर बना रहे हैं उसी के साथ की बाजू है। इसका डिज़ाइन हमने ऐसे स्टार्ट किया है, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जे उसके साथ अटैच होएगी। तो हमने 11 फंदे जे लिए थे, 2 फंदे सीधे बीच में है, फिर 11 फंदे, 2 फंदे सीधे बीच में है, 11 लास्ट में। तो 11 11 फंदे हमने ले लिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 11 फंदे तीनों जगह आए हैं। तो ऐसे हमने इस बाजू को के डिज़ाइन को भी स्टार्ट करना है। तो अब हम इस सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमें जे डिज़ाइन दिख रहा है। डिज़ाइन हम अपलोड कर चुके हैं, डिज़ाइन आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन इस बाजू का जो डिज़ाइन स्टार्ट करना है वो आपने ऐसे स्टार्ट करना है। 11 फंदे इधर रखने हैं, 11 बीच में, 11 लास्ट में और 2 2 फंदे सीधे, और एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। पहले 10 फंदे थे उल्टे, फिर 11 हो गए। अब हमने जहाँ डिज़ाइन चेंज करना है हम डिज़ाइन को वैसे ही जैसे बना हुआ है वैसे ही बनाते जाएंगे, और हमारा डिज़ाइन भी बनता जाएगा और साइडों में फंदे भी बढ़ते जाएंगे। तो हम आपको दिखा देंगे कि फंदे कैसे बढ़ाने हैं। तो हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं। ये देखिए एक सिलाई पे हमने बढ़ाया था, फिर दूसरी सिलाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, बढ़ाने वाली भी और 3 बीच में। अब हम फंदे को फिर बढ़ाएंगे क्योंकि बाजू की शेप पूरी देनी है। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा तो हम सीधा फली वाला सीधा ही रखेंगे। अब इसके साथ हम चाहे तो ऐसे फंदे को बढ़ा लें, एक का दो करें तो वो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। तो हम एक सीधा ऐसे ही रखेंगे और साइड में जो जे दिखता है फंदा, जैसे हमने ये बुना हुआ है साइड में जे पीस दिखता है, इसको हम इस सिलाई पे रख कर बढ़ा लेंगे। तो हमारा फंदा बढ़ गया। आगे हम डिज़ाइन के हिसाब से पूरी सिलाई बनाएंगे। तो ऐसे हमारा दूसरा फंदा बढ़ गया। अब हम लास्ट में बताएंगे कि फंदा कैसे बढ़ाना है। ये देखिए डिज़ाइन बनाते हुए हम लास्ट में आए हैं, जहाँ फंदा बढ़ा लिया है अब जहाँ पे बढ़ाना है तो हम
लास्ट वाले फंदे को पहले इसका बुन लेंगे, फिर इस साइड से जो इस साइड में हमें दिखता है इससे भी फंदा बढ़ा सकते हैं। ऐसे इस फंदे को बुन के इस हाथ वाला फंदा ऐसे बढ़ा लीजिए, तो ऐसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे हमने हर फोर्थ सिलाई में फंदे बढ़ाते जाना है। तो हम इसको इसी बाजू को बुनकर आपको दिखाएंगे कि हमने फोर्थ सिलाई में कैसे फंदे बढ़ाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी बाजू बना ली है और हमने हर फोर्थ सिलाई में फंदे बढ़ाते गए और इसकी शेप कुछ ऐसी आई है। हर फोर्थ सिलाई में फंदे बढ़ाते हुए इसकी शेप देखिए कितनी सुंदर आई है। जब हम इसको डबल करेंगे ऐसे बाजू को, तो 3 साल के बच्चे की बाजू बहुत ही सुंदर बनकर आई है। ये देखिए ऐसे ऐसी शेप बनी है। जब हमारी ऐसे बाजू बन जाए, शेप आ जाए, और हमने 35 फंदे रखे थे, अब हमारे 75 फंदे हो गए हैं। तो 75 फंदे बुनकर हम, और इसकी आप अपने बच्चे की बाजू की लेंथ नाप लीजिए, अंडर आर्म होल जो होता है, अंडर आर्म होल वहाँ से लेकर जहाँ तक। तो हमने 10 इंच की बाजू बनाई है। जो देखिए 10 इंच की आप बाजू बना कर अब इसकी हम गटाई शुरू करेंगे। हम गोल शोल्डर वाली गटाई करेंगे इसकी। तो गटाई कैसे करनी है, 75 फंदे हमारे पास हो गए हैं। आप अपनी ऊन के हिसाब से, मोटी पतली के हिसाब से फंदे रख लेना। अगर बहुत मोटी ऊन है तो आपने 70 फंदे रखने हैं, और अगर पतली ऊन है तो आपने 75 फंदे रखने हैं। उसी हिसाब से आप फंदे बढ़ा घटा सकते हैं। तो ऐसे आपने बाजू बनानी है। अब हम इसकी घटाई डालेंगे पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 75 फंदे रखे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 34, 40, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 76, 78, 80, 90, 100, 75 फंदे हैं टोटल। अब हम इसकी घटाई डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 5 फंदे कम करेंगे। एक बुना, दूसरा बुना, इसको ऊपर से टपा दिया, फिर तीसरा बुना, 2 फंदे कम हुए, आगे बुना, 3 फंदे कम हुए, आगे बुना, 4 फंदे, आगे बुना, 5। तो हमने एक बार में ही 5 फंदे कम कर दिए हैं। आगे हम जैसा हमारा डिज़ाइन है वैसा ही हम बनाते जाएंगे। तो 5 इधर से कम करेंगे, फिर एंड में जाके बताते हैं। और एक बात देखिए, जितनी हमने डिब्बियाँ डाली हैं वो हम आपको बता देते हैं कि कितनी पे घटाई डाली है। हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 9 डिब्बियाँ हमने पूरी बनाकर, 9 डिब्बियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 डिब्बियाँ डालकर हमने घटाई स्टार्ट कर दी है, और साथ के साथ हम नई डिब्बी शुरू कर रहे हैं। इधर से हमने 5 फंदे घटाए और साथ के साथ डिब्बी स्टार्ट होगी। तो अगर आपने ऐसे बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो हम लास्ट में बताते हैं। जो देखिए, हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम जहाँ से 5 फंदे घटाएंगे तो वैसे ही घटाएंगे, सीधा फंदा हम एक ऐसे ही बुन लेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे और इसके ऊपर से पीछे से ऐसे लाएंगे। ये उल्टी सिलाई है, 1, 2, 3, 4 और 5 5 फंदे हमने कम कर दिए, बाकी हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 फंदे कम किए थे, अब हमने 3 फंदे कम करने हैं। तो फंदा हम सीधा ही बुन लेंगे और एक फंदा और बुनेंगे और एक फंदा कम किया। अगर ऐसे करना है ऐसे कर सकते हैं, दूसरी तरह के भी होता है एक घटाई, वो भी एक बार बता देते हैं। जैसे ही हमने ये सीधा फंदा बुना, हम 2 का 1 करेंगे ऐसे,
फिर हम इसी फंदे पे डाल लेंगे, सिलाई पे फंदा दो, फिर इधर डाल लेंगे तीन, इधर डाल लेंगे चार, इधर डालेंगे और पाँच, ऐसे भी घटाई डल जाती है। तो हमने तीन फंदे कम करने हैं तो हमने पाँच कर दिए, बस हम तीन फंदे ही कम करेंगे। ये देखिए तीन फंदे हमने कम कर दिए। अब हर बार हम तीन तीन फंदे दोनों साइड कम करते जाएंगे बाजू के दोनों तरफ हर बार, और डिज़ाइन भी हमारा साथ के साथ बनता जाएगा, तीन इधर तीन लास्ट में। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है। अब हम तीन फंदे फिर कम करेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे कम किए, बाकी के फंदे हम ऐसे ही, पूरी सिलाई उल्टी बनानी है तो हम पूरा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे फंदे कम होने शुरू हो गए हैं, तीन इधर से तीन इधर से, तो हमने हर बार तीन तीन फंदे ही कम करते जाना, तीन इधर से तीन इधर से तीन इधर से तीन इधर से, तो हमारी शेप आनी शुरू हो जाएगी। अब हम फिर तीन फंदे कम करेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे हमारे कम हुए। थ्रेड इधर ले आएंगे क्योंकि हम डिज़ाइन बना रहे हैं, बाकी हम पूरा डिज़ाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड ऐसे ही हमने तीन इधर से कम करते जाना है, जब हमारे कम हो जाएंगे थोड़े। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे हम तीन तीन फंदे कम करते जाएंगे हर सिलाई में, तो हमारा जो ये डिज़ाइन है वो कम होता जाएगा। जितने फंदे हमारे बचते हैं उनमें हमने डिज़ाइन डालते ही जाना है, डिज़ाइन हमने नहीं छोड़ना है बनाना। जैसे ही फंदे कम होते जाएंगे डिज़ाइन उसी हिसाब से जितने फंदों का है बनता जाएगा। तो हर सिलाई हम तीन तीन फंदे कम कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे ही आपने और भी फंदे कम करते जाना है। ये देखिए फ्रेंड डिज़ाइन को हम लास्ट तक बनाते गए हैं, जहाँ से लेके तीन तीन फंदे कम कर किए हैं, और इसकी शेप कुछ ऐसी आई है। ये देखिए कितनी सुंदर शेप है। अब हमारे पास दो चार छः आठ दस बारह चौदह फंदे बचे हैं, जो कि हम रॉन्ग साइड से पूरे ही बाइंड कर देंगे, पूरे ही घटा देंगे हम फंदे ऐसे, दो का एक करेंगे, इधर डालेंगे दो का एक। हमने ये जो फंदे घटाने हैं जे हमने टाइट नहीं घटाने, बिल्कुल सिंपल ही घटाने हैं, ना ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा टाइट। अगर हम टाइट फंदे घटाएंगे तो इसमें स्टिचेबल ऐसे नहीं आएगी, जो कि हमारे बच्चे जब फिर बाजू पहनते हैं स्वेटर की सिलाई करते हैं तो वो टाइट हो जाता है। इसलिए बड़े धीरे धीरे सिंपल तरीके से, ना टाइट ना ही ज़्यादा लूज़, बस ऐसे आपने पूरे फंदे बाइंड कर देने हैं, और हमारी बाजू बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए लास्ट वाले दो फंदे भी हमने कम कर दिए, सिलाइयाँ हमने रख दी है। अब इसमें से हम अपना गोला ऐसे निकाल कर बंद कर देंगे। ये देखिए सिलाइयाँ हम रख देते हैं, और आपको हम बाजू दिखाते हैं और बाजू की शेप। ये देखिए ऐसी शेप आई है पूरी बाजू की। तो बाजू हमने 10 इंच बनाई थी, अब हम बाजू की लेंथ की लेंथ ना करेंगे कितनी है देखते हैं, क्योंकि हमने अभी नहीं देखी है। ये बाजू की लेंथ हमारी हो जाएगी 13 इंच। ये देखिए 13 इंच बाजू की लेंथ है, जहाँ से लेके जहाँ 13, इतनी बाजू की लेंथ बनी है। अगर हम इस बाजू को फोल्ड करते हैं वो भी देखिए ऐसे बाजू की शेप आएगी। जे पूरी गोलाई में शेप आई है ऐसे। जब हम इसको शोल्डर के साथ सिलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे सिलना है, वो भी दिखा देंगे।
तो ऐसे आपने पूरी बाजू 3 साल के बच्चे की, 2 से लेके 3 साल का बच्चा इस स्वेटर को आराम से पहन सकता है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए, बनकर बहुत सुंदर लगती है। क्योंकि हमें हमारे व्यूअर्स ने बोला था कि आप स्वेटर तो बनाते हैं लेकिन बाजू बनाना नहीं बता रहे, तो बाजू की शेप कैसे बनानी है इसीलिए हम आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। जैसे ही आपने कटाई डालनी है, जो भी आपका डिज़ाइन चल रहा है उसको आपने बनाते जाना है, डिज़ाइन को बंद नहीं करना है। अगर ये देखिए डिज़ाइन साथ साथ हमारा चला है तो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा ऐसे डिज़ाइन जो है कंप्लीट है। साइडों में थोड़ा थोड़ा हमारा ये देखिए उल्टा आया है, वो भी अच्छा लगता है क्योंकि जब हम बाजू फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो उल्टा थोड़ा दिख रहा है जहाँ डिज़ाइन डालने की ज़रूरत नहीं थी तो हमने वहाँ नहीं डाला, तो क्योंकि ये नीचे आर्म होल के नीचे ऐसे आ जाना है बाजू ने, तो इसलिए ये दिखता भी नहीं है और साइड का डिज़ाइन दिखेगा और साइड का जब हम सिलाई करेंगे। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों के लिए, नन्नों के लिए बना सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप कमेंट्स करके कुछ भी पूछिए कि आपने ये बाजू को कैसे बनाया है। तो अगर इसमें कोई डाउट लगता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो ये देखिए इसकी लेंथ 13 इंच होगी है, 13 इंच की लेंथ है। तो इतनी ही आप 2 साल से लेकर 3 साल बच्चा आराम से पहनता है। 2 साल में अगर ये बाजू लंबी लगती है तो हम इस बाजू को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके पहना सकते हैं। तो आपका देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।